शहादत इमाम हजरत अली इब्ने अबी तालिब की मरकजी मजलिस नश्तर पार्क कराची में जारी है। मजलिस के बाद जुलूस बरामद होगा। जुलूस में लाई जाने वाली ज़ियारत की तैयारी नश्तर पार्क में जारी है। मजीद बता रहे हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे सैयद वसीम। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नश्तर पार्क के मैदान में, जहाँ पर हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से आज मजलिस अदा का जो इनेकाद होगा, उसके बाद जुलूस बरामद होगा। जुलूस के लिए मेरे अकब में आप मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो ज़ियारात हैं क्यों सजाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसमें शबीए ताबूत हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इसके अलावा जो सवारी शबीए जुलजना है उसकी तैयारी का सिलसिला जारी है। और अब से कुछ के बाद जब मजलिस अदा का इख्तिताम होगा तो उसके बाद यहाँ से ये ज़ियारात जो हैं वो मुख्तलिफ जो शहर के इलाके हैं मुकर्रर जुलूस के रूट हैं वहाँ पर ये ज़ियारतें जो हैं वो लेकर आई जाएंगी, जिसको आज़ादारान इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है उन्हें ज़ियारत करेंगे। और ये जो हुसैनिया ईरानियान पहुँच कर ये जुलूस जो है वो इख्तिताम पज़ीर होगा। ज़मीरुल हसन ट्रस्ट के तहत जुलूस अदा का इनेकाद जो है वो क़याम पाकिस्तान के बाद से 1948 से किया जा रहा है, जिसमें अदादारों की बड़ी तादाद जो है वो नश्तर पार्क के मैदान में इसमें मजलिस अदा को सुनने आते हैं और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को और उनके जो आल हैं उनको पुरस्कार देते हैं। और यहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त अदादारान इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ से जुलूस अदा का इनेकाद किया जाएगा।